बिल्कुल कर्नल नौटियाल साहब, मैं आपको रोकूंगा। आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं, साथ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हैं, और तमाम जो शहीद हमको श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। ये आप तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, पालम हवाई अड्डे की सीधी तस्वीरें हैं, और उस स्थान की तरफ बढ़ते हुए जहां पर पार्थिव देह रखी गई है उन तमाम शूरवीरों की, योद्धाओं की। और आप ये देखिए, श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री अपने इन वीर सपूतों को, देश के इन बलिदानियों को अर्पित कर रहे हैं। इन शूरवीरों को विनम्र श्रद्धांजलि दे रहा है देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों की ओर से इन राष्ट्रनायक बलिदानियों को विनम्र श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री श्रद्धांजलि दे रहे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ श्री बिपिन रावत और उनकी पत्नी सहित सैन्य अधिकारियों का निधन अत्यंत दुखद और राष्ट्र के लिए अपूर्णीय क्षति है। पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, और अब उनकी पत्नी मधुलिका रावत जी को भी पुष्प अर्पित करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए। और अब ब्रिगेडियर एलिस लेदर को भी श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री, इस दुर्घटना में सीडीएस के साथ अन्य 12 लोग हैं जो शहीद हुए हैं। इनमें जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी के अलावा ब्रिगेडियर एलिस लेदर, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, विंग कमांडर पीएस चौहान, स्क्वाड्रन लीडर के सिंह, नायक गुरसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक साई तेजा, जूनियर वारंट ऑफिसर दास, जूनियर वारंट ऑफिसर ए प्रदीप और हवलदार सतपाल, इन सभी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये शूरवीर हैं, ये वीर सपूत हैं, जिन्होंने देशभक्ति का जज्बा अपने जीवन में प्रकट किया, जिन्होंने इस जज्बे को जिया और इसी जज्बे के लिए कुर्बान हो गए, देश के लिए अपनी जान बलिदान कर दी, और आज तिरंगे में लिपटा इनका पार्थिव शरीर देशवासियों की आंखों में अश्रु तो ला रहा है, लेकिन साथ ही ये संदेश आत्मसात करने का भी आह्वान कर रहा है कि देशभक्ति के लिए जियो, देश के लिए जियो, देशभक्ति के जज्बे के साथ जियो। और इसी संदेश को आज हम सब के लिए ज़रूरी है आत्मसात करना, तभी देश के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों की ओर से इन सभी को नमन कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। देश के लिए एक भावुक क्षण है जब एक साथ अपने इतने वीर सपूतों को देश ने खोया। ऐसे में इनके परिवारजन, इनके परिजनों के साथ उनका दुख साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो तमाम शहीद हम के परिजनों से मिल रहे हैं और ढाढ़स उनको बंधा रहे हैं, और एक एक से आप देखिए, पहले श्रद्धांजलि दी और उसके बाद अब एक एक जो वहां पर उनके परिजन आए हैं उनसे वो बात कर रहे हैं, उनको ढाढ़स बंधा रहे हैं। ये पालम हवाई अड्डे की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब देखिए तमाम जो शहीद हैं उनके जो परिजन वहां पर मौजूद हैं उनसे वो बातचीत कर रहे हैं, उनको ढाढ़स बंधा रहे हैं। श्रद्धांजलि के बाद एक एक से आप देखिए, व्यक्तिगत तौर पर जाकर प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज एक अवसर जब पूरा देश इन्हें सलाम कर रहा है, एक अवसर जब इन वीर बलिदानियों को पूरा देश इनके प्रति कृतज्ञता महसूस कर रहा है, पूरा देश इनके बलिदान को समझते हुए इनसे देशभक्ति का सबक सीख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संपूर्ण देश की ओर से इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, पालम हवाई अड्डे से सीधी तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि दी और उनके परिजनों को ढाढस भी बंधाया। जी अवधेश,